हेलो एवरीवन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज इस पाठ की हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। तो पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो किसी भी देश के वेल्थ का काम करते हैं, धन होते हैं वह देश के लिए। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। उसने करेज के बारे में क्या सीखा। करेज का मतलब है साहस, साहस के लिए उसने क्या सीखा। तो इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर फीवर, फियर डर जो होता है उस पर विजय जो होती है, डर के आगे जीत है। तो यह नेल्सन मंडेला ने सीखा था साहस के बारे में। तो सही जवाब है आंसर बी। प्रश्न आता है, व्हाट आर ए मैंस ओब्लिगेशंस इन लाइफ। यहाँ पर ए और बी ऑप्शन जो हैं दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है, बोथ वन एंड टू जो है, इसके लिए सही जवाब है। ऑब्लिगेशन टू पीपल एंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली, अपने परिवार के प्रति और लोगों के प्रति, जनता के प्रति। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। पहला तो इसलिए कि टू इम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी के लिए, और दूसरा टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव का अंत करने के लिए। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो लव जो है यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न आता है, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। यहाँ पर इट इज़ जस्ट एन इल्यूज़न, भ्रम है। एक बॉयहुड में जो फ्रीडम आपको मिलती है वो क्या है, एक केवल भ्रम है। तो ऑप्शन जो है ए सही है यहाँ पर। प्रश्न आता है, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। यहाँ पर द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। फैक्ट ये था कि उसकी जो स्वतंत्रता थी मंडेला जी की, वह छीन ली गई थी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न आता है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि नफ़रत का जो है कैदी है वो, जो दूसरों की फ्रीडम को छीन लेता है वह व्यक्ति कौन है, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्वेश्चन आता है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है। तो ऑप्रेस्ट जो है वो फ्री नहीं है, यहाँ पर बी सही जवाब है। प्रश्न है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो जो शुरू के तीन ऑप्शन हैं तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। टर्न फ्रॉम फ्री टर्न टू बोल्ड, टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू ए क्रिमिनल, टर्न ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, ऑल ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन जी डी जो है सही जवाब है। क्वेश्चन आता है, व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन दिन कब था। 10 मई को था। इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिव नॉन रेशियल, यानी कि डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट थी और नॉन रेशियल यानी नॉन जातीय, न बिना जाति वाली, जिसमें जातीय भेदभाव ना हो, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेजिडेंट्स वर इलेक्टेड। यहाँ पर टू सही जवाब है। प्रश्न आता है, Why did other countries broke off diplomatic relations with South Africa? तो apartheid policy, यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, What change brought international leaders to South Africa? तो end of apartheid
ऑप्शन ए सही जवाब था। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है, जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी, तीनों के लिए विजय होनी चाहिए, यानी न्याय की विजय हो, शांति की हो और मानवीय सम्मान की विजय हो। तो तीनों ऑप्शन शुरू वाले सही हैं, आंसर डी जो है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। तो यहाँ पर पॉवर्टी से भी मुक्ति चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और डिप्रिवेशन भी नहीं होना चाहिए, यानी डी जवाब जो है वह बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आता है, वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेनिसिपेशन। तो यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी जो रोक थी, पाबंदियाँ थी, उनसे मुक्ति जो है उसे इमेनिसिपेशन कहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर। क्वेश्चन आता है, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज ए डिस्प्ले ऑफ नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही जवाब है। क्वेश्चन आता है, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पजेस। नए साउथ अफ्रीकन झंडे का कलर कैसा था, तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये सारे उसमें कलर जो थे वो थे। प्रश्न आता है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो है रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड, जो काले लोगों के प्रति भेदभाव है उसको दूर करना। उसके बाद प्रश्न आता है, होम डिड मंडेला वॉन्टेड टू थैंक बट कुडंट, वो किसको थैंक करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो सी ऑप्शन जो है, अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अफ्रीका के देशभक्त थे, सैनिक थे, उन्हें। क्वेश्चन आता है, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड। तो आंसर ए जो है, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। यहाँ से ये वाला जो है सही जवाब है। उसके बाद ये जो हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर के। अगर आपको किसी और चैप्टर के भी क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मैंने व्याख्या के प्रश्न बना रखे हैं सभी पाठों के लिए हिंदी में, तो हिंदी भाषा में मैंने हिंदी मीडियम से सभी चैप्टर्स के बनाए हैं। और अगर आपको फिर भी कोई चैप्टर हिंदी भाषा में हिंदी मीडियम से पढ़ना है तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चैप्टर का नाम बता दीजिए तो मैं आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करती हूँ। एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।